हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम के न्यूली लॉन्च सनस्क्रीन सेरम का रिव्यू मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी टू ट्राई दिस आउट बिकॉज हमने सन्स्क्रीन तो बहुत यूज किया है बट सनस्क्रीन सेरम आई हैव नॉट यूज लाइक मैंने सोचा कि चलो ठीक है लाइक एक बार ट्राई करते हैं आपसे शेयर भी करते हैं इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा क्यूट लगा मुझे एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसमें आपको एक पंप मिलता है पंप के साथ ना यहाँ पे आपको एक कैप मिलता है जिससे कि आप कवर कर सकते हो विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज कहीं पर होता है ना कि हमने वैसे कैप तो आता है बट इस वाइट

से एंड ये ऑयल फ्री रहेगा राइट right? आपके स्किन को ऑफ कोर्स एंड वाइट वाइटस वाइट लोटस है एंड इसकी वजह से ना ये जो आपके को, जब इसको लगाते हो तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट कर देता है स्किन को विच लाइक लुक्स गुड बिकॉज हमें चाहिए होता है कि हाइड्रेशन भी मिले एंड साथ प्रोटेक्शन -साथ uh, you know, uh, भी मिले राइट right? तो इसमें जो व्हाइट लोटस है उससे क्या हुआ ना कि ये आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको इंप्रूव जो आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है और आपकी स्किन कंडीशन को अच्छा करेगा और इसमें रेडियंस लाएगा राइट एंड एसिड से क्या होगा ना कि स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड साथ साथ ही आपके अगर स्किन पर रिंकल वगैरह है तो उसको भी काफ़ी लेस कर देगा उसके बाद इसमें है सिक्का जिससे कि आपके जो आपकी जो स्किन है उसको वो टैनिंग से बचाएगा और जो प्रीमेचोर एजिंग होती है उससे भी और यू you नो know, आपके स्किन को काफी अच्छा बना देगा तो आप देख सकते हो इसको यूज़ करना बहुत ईजी है आपको जितना आपके फेस के अकॉर्डिंग लगे आप उतना लो अपने हाथों पर राइट उसके बाद आप इसको लाइक जेंटरी रब करके यू नो मसाज कर सकते हो अपने फेस पे एंड इसको अच्छे से लाइक मसाज करोगे तो पूरी स्किन पर जाएगा आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइट वेट दिख रहा है मेरे फेस पर ये लगाने के बाद भी एंड मुझे पर्सनली ऐसे सनस्क्रीन पसंद होता है ना जिसमें कि मुझे यू नो वाइट कास्ट ना आए या फिर ऐसा ना हो कि वो रोल अप हो जाए बिकॉज बहुत सारे ना रोल हो जाते हैं बहुत हम लोग लगाते हैं सनस्क्रीन में पूरा रोल रोल होकर निकलने लगते हैं फिर मेकअप में क्या होता है दिक्कत होती है बट इसको लगाने के बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने अपने मतलब इन आई थिंक चार पांच सेकंड में ही ना इसने पूरे प्रोडक्ट को कर लिया पूरे स्किन में एंड काफी ज्यादा अच्छा यू you नो know, लग भी रहा है लगाने के बाद ना आपको एक शाइन दिख रहा होगा ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें हालाटर लगाया हुआ हालाइटर सेम वगैरह लगाया हुआ है हाँ बट नहीं हमने केवल सनस्क्रीन लगाया एंड आपको जो सनस्क्रीन है वो कम से कम तीस मिनट पहले लगाना है घर से बाहर निकलने के पहले एंड uh, उसके से उसके क्या होगा ना कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अच्छे से एंड या थैंक यू फॉर वचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जिसका जो लिंक है इस प्रोडक्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो आप बाई कर सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस वंस बिकॉज दिस इज अमेजिंग एंड आई थिंक सारे लोग सनस्क्रीन यूज करते हैं तो वो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि जो सारे लोग यूज़ करते हो तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोगों ये वाला ट्राई करो ठीक है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एल्स विकजाज में नेक्स्ट वीडियो